आलू लगे। आज हम बताएंगे कि हमारे प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, पहले हम देखें कि हमारी एनर्जी कैसे फ्लो होती है। ठीक है, एनर्जी फ्लो को पहले समझें। देखिए, हमारे पास है सोर्स, ठीक है, कोई भी एनर्जी का सोर्स, ठीक है, और हमारे पास लोड जिसे हमें एनर्जी भेजनी है। ठीक है, जब हमारी एनर्जी सोर्स से लोड की तरफ मूव करती है, जब हमारी एनर्जी सोर्स से लोड की तरफ बढ़ती है, तो इसमें कई सारी चीज़ें इसके रास्ते में होती हैं। एक तो एनर्जी हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है, कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। कैसे कैसे होती है ट्रांसफॉर्म? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में भी चेंज हो जाती है, हीट एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है। और कुछ एनर्जी हमारी लॉस में चली जाती है, मतलब जो हमने सोर्स से लोड की तरफ तो भेजी है, लेकिन वो हमारी एनर्जी लॉस हो गई, जो हमारी अनअवेलेबल रहती है और लॉस हो जाती है। ठीक, कुछ एनर्जी हमारी सोर्स से लौटते जाते समय स्टोर हो जाती है, स्टोर। ठीक है, स्टोर हमारी एनर्जी दो फॉर्म में होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। देखिए, एनर्जी स्टोर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, तो जिस कंपोनेंट में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, वो कंपोनेंट को कहते हैं हम इंडक्टर, इसको L से हम प्रदर्शित करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है, वो है कैपेसिटर, इसे C से डोनेट करते हैं। जो एनर्जी मैंने जो अभी आपको बताया, जो अनअवेलेबल रहती है, जो हीट के फॉर्म में चेंज हो जाती है, जो एनर्जी अनअवेलेबल रहती है, मतलब जो एनर्जी का लॉस हो जाता है, वो आर कंपोनेंट में होता है, रेजिस्टेंस के कंपोनेंट में। ठीक है, अब हम वन बाय वन इन कंपोनेंट को पढ़ते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, फिर इंडक्टेंस को, फिर कैपेसिटेंस को। अब हम रेजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टर जो है आपका डायनेमिक, रेजिस्टर जो आपका है वो डायनेमिक कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये एलजेब्रिक कंपोनेंट है। रेजिस्टर के अब हम फीचर्स देखते हैं। ये इसके अंदर रजिस्टर के अंदर हिस्ट्री नहीं होती और मेमोरी नहीं होती। हिस्ट्री और मेमोरी ना होने का मतलब इतना है कि जो इनपुट पे आएगा वो आउटपुट पे देगा, मतलब ये कुछ स्टोर नहीं कर सकता है। जैसे कि हमारा कैपेसिटर है और इंडक्टर है, ये एनर्जी को स्टोर करता है, ऐसा फीचर हमारे रजिस्टर में नहीं है। ये क्या करता है? डिसिपेट करता है एनर्जी को, डिसिपेटिव होता है और लॉसी होता है। ठीक है, लॉसेस करता है हमारे। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखें। अगर मैं एक्स एक्सिस पे अपना वोल्टेज को लूँ और वाई एक्सिस पे करंट को लूँ, तो जो हमारा रेजिस्टर है वो हम एक स्लोप के द्वारा दिखा सकते हैं। ये स्लोप है, तो इस स्लोप जो है, स्लोप की वैल्यू होगी वन वाई वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट लूँ, अगर ये वाला पॉइंट लूँ, इस पॉइंट पर मेरी करंट की वैल्यू मान लो आई नॉट है, इस पॉइंट पर मेरी करंट की वैल्यू वी नॉट है। ठीक है, मेरा स्लोप किससे दिखाया गया है? वन बाई आर से। स्लोप मीन्स टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना है? वन बाई आर। ओके, अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या कितनी निकलेगी? वी नॉट और आई नॉट। ठीक है, L अपॉन बेस होता है ना, बेस अपॉन H, तो कितना हुआ? ये कितना, ये जो वैल्यू है वो हमारे I नॉट के बराबर है। ठीक है, और ये V नॉट के बराबर है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू I नॉट अपॉन V नॉट। I नॉट और V नॉट मतलब किसी एक पॉइंट पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू।
तो मेरा टेन थीटा बराबर किसके बराबर हुआ, वन बाई आर के, वन बाई आर आई नॉट अपॉन वी नॉट। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको शिफ्ट कर ले रहा हूँ, आई नॉट इक्वल टू आई नॉट वी नॉट इक्वल टू आई नॉट डॉट आर। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं, जैसे देख लीजिए वी नॉट अपॉन आर इक्वल टू आई नॉट है, मान लीजिए वी नॉट की वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है, और आर नॉट माने आर मीन्स 2 ओम है पहली कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन में लेता हूँ, ठीक है, वी इक्वल टू 10 ओम, 10 वोल्ट, वी इज इन टू द वोल्ट और आर किस में होता है, ओम में। तो मेरा आई करेंट इक्वल टू कितना निकला, 10/2 माने 5 एम्पियर। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए इस बार मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम से बढ़ा के 5 ओम कर दूं तो कितना हो गया, आई इक्वल टू 10/5, 2 एम्पियर। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं मेरी करेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस की वजह से हमारी एनर्जी लॉस होती है, अब ये एनर्जी होती कितनी है, अब हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी हमारी डिसिपेट करी है। तो देखो पी मतलब पावर किस में होती है, वाट में, वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। ठीक है, करेंट थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है, पावर इन वाट, वोल्टेज इन वोल्ट, करेंट इन एम्पियर, ये क्या है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस वोल्टेज है, करेंट अक्रॉस करेंट थ्रू द रेजिस्टेंस है। इस वी आर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये एनर्जी पावर मेरी इतनी डिसिपेट हो रही है, ठीक है, इसको मैं आई आर डॉट आर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आई आर, तो मेरा पी इक्वल टू आई आर स्क्वायर डॉट आर, एक ये फॉर्म है, इस फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ कि मेरी इतनी पावर मेरी डिसिपेट हो रही है या हीट एनर्जी में चेंज हो रही है, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वी आर डॉट वी आर अपॉन आर, तो पी इक्वल टू वी आर स्क्वायर अपॉन आर। थैंक यू, अगली वीडियो में हम समझेंगे कि कैपेसिटर और इंडक्टर के क्या फीचर्स हैं। थैंक यू।